नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन है वो 19 तारीख को होना है और ज्यादा घंटे अब बचे नहीं है, कुछ ही घंटों का खेल है। लेकिन इस ऑक्शन में उन खिलाड़ी वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो सबसे ज्यादा महंगे होंगे, चलिए मैं आप लोगों को 9-10 खिलाड़ियों की लिस्ट बताता हूं जिन पर सबसे ज्यादा पैसा बरस सकता है। इन खिलाड़ियों में से आपके हिसाब से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को 9-10 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा। अब देखते हैं कि कौन से इंसान का जो प्रेडिक्शन है वो सबसे सटीक बैठता है, हम उस पर नजर बनाकर रखेंगे। ये एक आप लोगों के लिए एक तरीके से क्विज है, आप लोगों की एक समझ है। देखते हैं आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा बोली लगती है, कमेंट करके हमें बताइएगा। सबसे पहला नाम है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क क्योंकि आईपीएल में इस बार कई सालों बाद आ रहे हैं और हर की टीम की इन पर नजर, अच्छे गेंदबाज हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हर टीम चाहती है कि मिचेल स्टार्क को लेना, तो सबसे पहला नाम मिचेल स्टार्क। दूसरा नाम है हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक्स भी क्योंकि इस बार आने वाले हैं, हैदराबाद ने उनको निकाल दिया था, पिछली बार 13 करोड़ के आसपास वो बिके थे, इस बार भी ऑक्शन में आएंगे तो कई सारी टीमें उनके पीछे बोली लगाएंगी। वैसे भी हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस अंदाज में आतिशी पारी हैरी ब्रुक्स ने खेली है तो कई सारी टीमों की उनके ऊपर नजर जरूर गई होगी, तो हैरी ब्रुक्स दूसरे नाम है। तीसरा नाम है कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी को मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है क्योंकि कार्तिक त्यागी को आप छोटा नाम मत समझिएगा, हालांकि हैदराबाद ने उनको निकालकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कार्तिक त्यागी आईपीएल के बहुत बड़े गेंदबाज बन सकते हैं अगर उनको उनकी काबिलियत को बेहतर समझा जा सके, क्योंकि रफ्तार उनके पास है, विकेट बड़े बड़े वो चटकाते हैं, अच्छा रिकॉर्ड कार्तिक त्यागी का आईपीएल में रहा है, तो खबर है कि भारतीय तेज गेंदबाजी के तौर पर कार्तिक त्यागी के पीछे बहुत मोटा पैसा बरसाया जा सकता है। चौथे खिलाड़ी के तौर पर है पैट कमिंस। नो डाउट पैट कमिंस को लेकर चर्चाएं आप लोगों ने लगातार सुनी होंगी, कई वीडियो हम भी बना चुके हैं पैट कमिंस को लेकर कि पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, तो पैट कमिंस भी एक नाम है क्योंकि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, केकेआर में रह चुके हैं, 14 गेंदों पर शतक लगा दिया था, तूफानी खिलाड़ी हैं, कप्तानी का मटेरियल भी है किसी भी टीम के लिए, तो पैट कमिंस भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद में ट्रेविस हेड। नो डाउट ट्रेविस हेड के ऊपर भी बड़ी चर्चा है, जब से वर्ल्ड कप जिताया है उन्होंने अपनी टीम को और WTC जिस तरीके से जिताया और उस तरीके से दोनों फाइनल मुकाबलों में क्योंकि ट्रेविस हेड का बल्ला चला और गेंदबाजी भी कर ही लेते हैं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, तेज गति से रन भी बनाना जानते हैं, तो कई सारी टीमों की नजर ट्रेविस हेड के ऊपर भी होगी। उसके बाद में रचिन रविंद्र, इस खिलाड़ी का नाम भी बहुत चर्चाओं में है, रचिन रविंद्र के बारे में भी आपने चर्चा सुनी, वर्ल्ड कप में लगातार बेहतर बल्लेबाजी की, कई शतक लगाए, गेंदबाजी से विकेट चटकाए, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को भी अच्छा खेलते हैं और भारतीय पिचों पर ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत होती है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो इसीलिए रचिन रविंद्र के पीछे भी चर्चा है। उसके बाद में गेल कोजी अच्छे गेंदबाज है, साउथ अफ्रीका के हैं, बेहतर विकेट टेकर है, चर्चा लगातार कोजी के बारे में भी आप लोग सुन ही रहे हैं कि कोजी भी इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे कमेंट करके आप यह भी बताइएगा क्योंकि विकेट टेकर है। उसके बाद में डेरिल मिचेल अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर, देखिए ऑलराउंडर के तौर पर डेल मिचेल का नाम बड़ा चर्चाओं में है, बड़ी चर्चा उनकी हो रही है, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, बल्लेबाजी जिस तरीके से कर रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई है, बहुत बेहतर डेल मिचेल ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं और जिस टीम को विदेशी ऑलराउंडर की जरूरत है वो टीम डेल मिचेल के पीछे जा सकती है, कई सारी टीमों को विदेशी ऑलराउंडर की जरूरत है, तो डेल मिचेल भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद में शाहरुख खान, चर्चा बहुत है, अश्विन ने भविष्यवाणी की थी कि शाहरुख खान इस बार सबसे ज्यादा महंगे भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं, अब वो कितनी बात सच है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि शाहरुख खान भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद में तो 10वां नाम है वो है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर भी इस लिस्ट में शामिल है, शार्दुल ठाकुर को भी रिलीज केकेआर ने कर दिया, पिछली बार 10 करोड़ में शामिल हुए थे केकेआर में, अब इस बार क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, तो शार्दुल ठाकुर भी इस लिस्ट में शामिल है। और 11वें खिलाड़ी के तौर पर मैं नाम रखना चाहता हूं लॉकी फर्गूसन का। लॉकी फर्गूसन भी इस लिस्ट में मैं शामिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार 11 करोड़ के आसपास केकेआर उन्हें देती थी, 10 करोड़ 75 लाख, तो इसीलिए लॉकी फर्गूसन ने भी इस बार अच्छी थोड़ी बहुत प्रदर्शन करके दिखाया है, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, रफ्तार उनके पास है, विकेट भी लेना जानते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो लॉकी फर्गूसन मेरे 11वें खिलाड़ी हैं। तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इन 11 खिलाड़ियों में से आपके हिसाब से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा होगा और कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में जाएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमारी नजर बनी रहेगी आपके कमेंट पर। देखते हैं कि जब 19 तारीख को ऑक्शन होगा तो आपके कौन से इंसान का कमेंट सच साबित होता है। थैंक यू।